नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। वैशाली जिला ब्यूरो प्रभंजन कुमार मिश्रा के साथ प्रशांत प्रकाश की रिपोर्ट। एक तरफ पूरे बिहार जहां भीषण बाढ़ के चपेट में है, वैसे में बिहार का वैशाली जिला भी अछूता नहीं है। पिछले करीब एक महीने से जिले के कई क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बात अगर नदियों की करें तो जिले से गुजरने वाली सभी नदियां उफान पर हैं और लगातार हो रही बारिश से इस बार पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है, जिसके कारण किसानों के फसल तो बर्बाद हुए ही, उनके घर में रखे सामान भी सुरक्षित नहीं है। जिले के पातेपुर प्रखंड और भगवानपुर प्रखंड की हालत तो पहले से ही बढ़ से बदतर बनी हुई है और अब जंदाहा प्रखंड के कई इलाके में भी बाढ़ का पानी घुस चुका है। जंदाहा के खोपी में करीब पिछले एक महीने से बाढ़ जैसे हालत बने हुए हैं। लोग जान बचाने के लिए अपने घरों को छोड़ पास के सरकारी विद्यालय पर आसरा लिए हुए हैं। यही जंदाहा के खोपी पंचायत में भी बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिससे वहां भी हालत दयनीय हो चुके हैं। खोपी पंचायत वार्ड 6 और 3 में वाया नदी का पानी घुस जाने से लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या परेशानी है आपको बताइए? हम लोग कैसे जब खाने के लिए माने तरफ रहा है तो सोएंगे कहाँ? बताइए, वाला तो चीज नहीं है। ये पानी जो नदी का है या फिर वर्षा का है? नदी का है। नदी का बात पानी पर सोचना है ना अगला आदमी को, तो कैसे जिएगा गरीब, कैसे खाएगा, कैसे रहेगा, ये सब तो सोचना चाहिए बड़ा आदमी को ना। जब पांच गो आदमी सरपंच मुखिया अगर लिख कर देगा तो जरूर है कि सुनवाई दे देगा, जरूर है कि गरीब को हार मिल जाएगा। इस घर में कितना आदमी रहते हैं? इसमें 4 गो रहते हैं, 3 गो इसमें रहते हैं, 5 गो में वो घर में है। अरे किसान, 3 गो पुतो है। अभी पुतो लोग कहाँ हैं? पुतो लोग है ना, ये आपका घर है? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? संगीता देवी। ठीक है ना। क्या परेशानी है आपको? क्या परेशान में है कि घर दहल है, चूल्हा उल्हा फूट गया, कथे पका के खवाई दहल भसल में। परेशानी यही है, डर है, दहै छी हम सब, आरो यही परेशानी है। घर दुआ टूट भांग गेल पानी से सब ल ल रहता है। क्या परेशानी है? घर दह रहा है, मुखिया सरपंच के बोल रहा है कि इसे घर में आके देखिए, खाना पीना के भी बाल बच्चा को दिक्कत होता है, खाना बनावे में दिक्कत होता है, चूल्ही फूट गया, हम लोग कहाँ रहेंगे बताइए। ये कितना दिन का ये है, कितना दिन से ये परेशानी है आपको? कम से कम 15-20 दिन से है। ऐसे में कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे बताइए आप ही लोग। ये कौन सी पंचायत है? हाँ, खोपी पंचायत है। यहाँ का स्थानीय वार्ड मेंबर कौन है? मनोज शाह। मुखिया जी कौन है? शर्मा जी हैं, गोपिंदर शर्मा जी हैं। सर, उन लोग के कहने के बाद में उन लोग क्या आश्वासन दिए? एक बार नहीं देखने आए, देखना ही तक नहीं आए यहाँ पर। बोलता है कि रोड पर से ठहरा हो, पता का चल जाता है, अगला घर में आएगा तब ना उसको पता चलेगा से यहाँ कितना पानी है नहीं है। सही ना, ये आदमी तो ऐसे मार रहा है। अच्छा, ये खबर आप सरपंच साहब को भी बोले थे क्या? वो सरपंच क्या बोले? जब अच्छा ऐसा जब नदी में हुई छह अच्छा देखो पर कुछ बहुत थोड़ा सा के आज तक दूरी पर तकला नहीं आया यहाँ हम लोग का। पंचायत समिति उनको भी बोले थे क्या? हाँ, पंचायतों समिति के बोले हैं, सबके बोले हैं, कोई आदमी नहीं आया हमारा। अभी वर्तमान पंचायत समिति कौन है यहाँ का? यथिन राम मूर्ति जी, वो भी नहीं आए हैं अभी तक। क्या परेशानी है? परेशानी है तो देख ही रहे हैं, मुखिया जी के कहे, वार्ड के कहे, सरपंच के कहे, सब के कोई नहीं आया हम घर के देखने। हम लोग दार आए खाने का, गल गया, हम लोग क्या करें। बहुत दिन कई दो बार मुखिया जी के बोले तो चल कर सर हमको देख लीजिए, रोड पर कदा अच्छा हो जाएगा, एक भी आदमी नहीं आया देखने। बाल बच्चा देखिए सब कुछ ना
हमको बिलट रहा है, घर उनमें सब में पानी है, हम क्या करें? अभी लोग सोचिए क्या करें या ना करें। क्या नाम हुआ आपका? हमारा उपिंदर माझी नाम है। तीन बेटा है, तीनों बेटा पुतो सब हमारा।